नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 19। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन जयपुर के नेतृत्व में समस्त कोचिंग संस्थानों द्वारा सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवास को उनके निवास स्थान पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नगर निगम द्वारा कार्रवाई को रुकवाने व फायर सेफ्टी जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अधिक समय की मांग की गई है। इस पर खाचरिया आवास ने भरोसा दिलाते हुए कोचिंग को जारी रखने की बात कही। मैं किसी भी कीमत पर कोचिंगों को सीज करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं फायर सिस्टम ठीक हो, बच्चों की सिक्योरिटी ठीक हो, पार्किंग ठीक हो। फायर सिस्टम, पार्किंग और एग्जिट, और उसका टाइम लिमिट करके हम धीरे धीरे ठीक कर लें। और बच्चे सिकोड़ रहे हैं, हमारा बंद करना मकसद है। बताया वो मीटिंग में बुलाया हेड के साथ में, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हम तो कार्रवाई करेंगे। और हमने ये भी उनको बताया कि जो उनका खुद का सर्टिफिकेट है उसने वर्तमान कोचिंग के लिए केवल ब्लॉक होता है, बाकी और ऐसी कहीं भी नहीं है। पुराने जो बाकी तो नए कोचिंग के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो उनका ही नापेंगे, ड्राफ साइड भी करेंगे, ये भी करेंगे। और आपने उनसे पूछा नहीं, देखो आपको मैं घर में खुल के बताऊँ। मैंने आपका जब मामला, आप आए थे, आप आए थे चार पांच लोग अंदर बैठे थे, कौन थे अंदर, कौन कौन बैठे थे मेरे साथ? आप बैठे। मैंने उसी को धारीवाल जी को फोन किया, अरे यार चुप हो जाओ। इंस्टीट्यूटों को बंद करने की धमकी के साथ नोटिस दिया है, जिनमें 3 लाख से ज़्यादा छात्र अभी अध्ययन कर रहे हैं। उनके हर हफ्ते कोई न कोई परीक्षा है, वो केवल एक सूरत की आग दुर्घटना की आड़ में दिया है। हमने मीटिंग में कहा था कि हम सब एक एक एफिडेविट देने को तैयार हैं, जो उपकरण वो लगाना चाहें वो हम लगाने को तैयार हैं। हम सब किराएदार हैं, बच्चे दूर दराज से पढ़ने आए हैं, हमारे हाथ में मकानों के नक्शे नहीं हैं। JDA का खुद का सर्कुलर ये कहता है कि पॉइंट नंबर 15 पे कि वर्तमान में संचालित कोचिंगों के लिए केवल फायर के प्रावधान लागू होंगे। हम उनको लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वो छात्र हितों की हत्या करना चाहते हैं, 2 लाख लोगों से जुड़े रोजगार की हत्या करना चाहते हैं। इसके हम खिलाफ़ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें इस तरह से भय का माहौल नहीं बनाया जाए, अन्यथा ये 3 लाख छात्र सड़क पर बैठेंगे। अभी मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है कि एक भी कोचिंग बंद नहीं होगी। हम उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार रोजगार के और छात्र के खिलाफ नहीं है, छात्र हित के। तो हम सभी छात्रों से हम बढ़ाएंगे, पहले भी आपकी JDA आदमी का रोजगार नहीं छीनने देंगे। ये सरकार बंद करने के लिए नहीं है। कोई भी कानून भविष्य से लागू होगा, पीछे पूर्व से चलते हुए संस्थानों को बंद नहीं किया जाएगा। बच्चों को सुरक्षा देने के लिए हमने ये कहा कि हमारा प्रत्येक संस्थान एफिडेविट देगा कि हम फायर के सारे उपकरण लगाएंगे, और एक बच्चों को ये कील भी चुभेगी तो वो हमारी जिम्मेदारी। तो ये आपने जयपुर से न्यूज 19 की हमारी संवाददाता नीना वर्मा की एक रिपोर्ट।